व्हाट्सएप गाइस, मैं हूं सुमित और आप लोग देख रहे हैं टेक्नो सुमित यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को दो ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग फ्लिपकार्ट से किसी भी फ़ोन को फर्स्ट सेल में ही खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रिक्स तो नहीं है, टिप्स ही है। इसकी मदद से मैंने भी इन्फिनिक्स S5 को ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, और उसके बाद मैंने इन्फिनिक्स हॉट 8 को भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था इस ट्रिक की मदद से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फ्लिपकार्ट में ले जाके माई ऑर्डर सेक्शन में दिखा देता हूँ मैंने S5 और हॉट 8 को ऑर्डर किया था। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये रहा इन्फिनिक्स S5 जिसे मैंने फ्लैश सेल में ही ऑर्डर किया था। तो फ्रेंड्स, आज फ्लिपकार्ट में इन्फिनिक्स S5 प्रो का सेकेंड फ्लैश सेल है दोपहर 12 बजे। तो मैं आज इस फ्लैश सेल में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोग किसी भी फ्लैश सेल में कोई भी फ़ोन को ऑर्डर कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो 2-3 दिन बाद मिले। अगर आप लोग इन्फिनिक्स S5 प्रो को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप लोग 26 तारीख को कर सकते हैं। 26 तारीख दोपहर 12 बजे इसका थर्ड सेल है। तो आप लोग को 80% चांस है कि आप लोग इस ट्रिक की मदद से कोई भी फ़ोन को फ्लैश सेल में ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग मेरा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, और उसके बाद आप लोग फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करके माई अकाउंट सेक्शन में जाइए। और माई अकाउंट सेक्शन ओपन होने के बाद आप लोग नीचे जाके अपना माई एड्रेस पर क्लिक कीजिए, और ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करके आप लोग अपना एड्रेस यहाँ फिल कर लीजिए जिस एड्रेस पे आप लोग इस फ़ोन को लाना चाहते हैं। और उसके बाद आप लोग एड्रेस फिल करके यहाँ पे नीचे सेव का बटन दिखेगा, आप लोगों को सेव पे क्लिक करके बैक कर लीजिए। और उसके बाद फ्लिपकार्ट में आप लोग ऊपर सर्च बार में सर्च कर लीजिए S5 प्रो। ठीक, आप लोगों को इन्फिनिक्स S5 प्रो 12 बजे से पहले ही टाइप कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों को चूज़ कर लेना है कौन सा फ़ोन आप लोगों को चाहिए। तो ये फ़ोन सिर्फ 2 ही कलर में अवेलेबल है। तो आप लोगों को 12 बजने का 2 मिनट पहले ही इस पेज को ओपन करके रखना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट कम है। तो मैं तब तक वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ 12 बजने तक। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं 12 बज चुका है और मैंने इस फ़ोन पे क्लिक भी कर लिया है, तो अभी तक इस पे बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आया है। तो शायद 12 बजने का 1-2 मिनट बाद आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक इसमें बाय नाउ का ऑप्शन आया ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं 12 बज के 1 मिनट हो चुका है, अभी भी बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, तो मैं बाय नाउ पे क्लिक करके इसे बाय कर लेता हूँ। और इसके बाद स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके इसे स्किप कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए। और ऊपर एड्रेस आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैंने पहले से ही एड्रेस को सेट करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। तो मेरा नेटवर्क कनेक्शन स्लो है, इसलिए पेज लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने गलती से EMI पे क्लिक कर लिया था, अभी मैं बैक करके कैश ऑन डिलीवरी को फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर लेता हूँ। तो उसके बाद आप लोगों के सामने कैप्चा आएगा, तो मैं भी कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट का स्टॉक ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंने देर कर दिया था इसे ऑर्डर करने में, और मेरा नेटवर्क कनेक्शन भी उतना अच्छा नहीं था। तो अभी मैं एक ट्रिक को यूज़ करके बाय नाउ का ऑप्शन को फिर से लाऊँगा।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी अगर किसी भी फ़ोन को फ्लैश सेल में ख़रीदना चाह रहे थे और बाय नाउ का ऑप्शन चला गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया फ़ोन, तो आप लोग भी इस ट्रिक को यूज़ करके बाय नाउ का ऑप्शन को फिर से ला सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग मेरा इस ट्रिक को ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा ऑर्डर एक साथ मिलने के कारण बाय नाउ का ऑप्शन सेल ओपन होने के तुरंत बाद ही चला जाता है, लेकिन एक दो मिनट तक ये बाय नाउ का ऑप्शन रहता ही है। आप लोग अगर इस पर क्लिक और बैक क्लिक कर बैक करते रहेंगे तो आप लोगों को बाय नाउ का ऑप्शन फिर से दिख जाएगा। तो यही है ट्रिक, आप लोग जब सेल चालू होगा उसके दो एक मिनट बाद फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए फ़ोन पे और बैक कीजिए, क्लिक कीजिए और बैक कीजिए, तो आप लोगों को फिर से बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ लाइव बाय नाउ का ऑप्शन ला के दिखाऊँगा। तो तब तक मैं क्लिक बैक करते ही रहता हूँ जब तक बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है। तो आप लोग भी वीडियो को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ पे फिर से आ चुका है। तो मैं इसे फिर से बाय करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने बाय नाउ पे क्लिक कर लिया है और उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करके इसे ऑर्डर करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ऐसा मौका मिले तो आप लोगों को फटाफट इसे ऑर्डर कर लेना है, और अगर आप लोगों का नेटवर्क कनेक्शन स्लो है तो आप लोगों को यह नहीं भी मिल सकता है। तो देखता हूँ मुझे मिलता है कि नहीं। तो फिर से प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है क्योंकि मेरा नेटवर्क कनेक्शन स्लो है। और तो मैं इस फ्लैश सेल में इस फ़ोन को ख़रीद नहीं पाया, तो अगले फ्लैश सेल में मैं इसे ट्राई करूँगा ख़रीदने के लिए। तो 80% चांस है आप लोग इस ट्रिक को इस्तेमाल करके फ्लिपकार्ट का कोई भी फ्लैश सेल में किसी भी फ़ोन को ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।